तो ट्रेडर जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है यार, मिनिमम रिक्वायरमेंट i3 होती है, बट गाइज मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप i5 से कम मत लेना, ठीक है, आप i5 को मिनिमम लेकर के चलो। गाइज ये जो पेज है ना, मेरा ही है, ये मेरा ही ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, बाद में आप विजिट करके पढ़ लेना और डिटेल में, ठीक है। तो रैम गाइज 16 से कम नहीं चलेगा, ठीक है, और भाई स्टोरेज तो 512 से कम नहीं चलेगा, ठीक है, और इंच स्क्रीन तो बड़ी होनी चाहिए अपनी ताकि हम चार्ट्स अच्छे से देख पाएँ, और बैटरी बैकअप तो गाइस 5 से ऊपर चाहिए, क्योंकि 5 घंटे तो मार्केट ही खुलता है, 6 घंटे अपना, ठीक है, तो इससे ऊपर चाहिए। गाइस मैं वो लैपटॉप बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ दी कंडीशंस को मीट कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मीट करें, ठीक है, हो सकता है किसी में स्क्रीन छोटी, हो सकता है किसी में स्टोरेज कम हो, ठीक है, बट हमें बेस्ट चुनना है, बेस्ट जो ज़्यादातर को सिंप्लीफाई कर रहा हो या बिलोंग कर रहा हो, ठीक हो। तो हम पहला जो चलते हैं HP का स्पेक्ट्रे में चलते हैं X360, ठीक है, तो हम इसको Amazon पे भी देखेंगे। दूसरा है Asus ZenBook का 13, ठीक है, ये जो वेबसाइट पे जो ये मैंने i7 लिखा है ना, ये i5 है, ठीक है, Asus वाला जो है ये, ठीक है गाइस, तो आप उसमें देख लेना एक बार, ठीक है, जो Amazon का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में वही सही है, ठीक है, तो आप उससे ले लेना। तो हम पहला चेक कर रहे हैं, ठीक है, HP का स्पेक्टर, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, ठीक है, तो आप मेक श्योर आप सही लैपटॉप जा करके देखो, ठीक है। तो देखो ये हमारी सारी कंडीशंस को मीट कर रहा है। इसकी जो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये लुक वाइज काफ़ी अच्छा है गाइस, ये देखो जो स्टैंड हो जाता है ना इस तरीके से, दोनों हाथ में पकड़ लो और अच्छे से ट्रेडिंग करो। गाइस मैंने काफ़ी ट्रेडर्स को देखा है इसको यूज़ करते हुए, काफ़ी स्मूथली चार्ट ओपन होता है इसका गाइस। अगर मैं खुद को अपग्रेड करूँगा अगर, या मैं कुछ एक्स्ट्रा लूँगा अपने ट्रेडिंग के लिए, तो मैं यही लैपटॉप चूज़ करूँगा। ये सारी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा है। स्क्रीन साइज 15 नहीं है ऑल द पूरा, बट चलता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो गाइस ये काफी अच्छा लैपटॉप है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है ये, ठीक है। दोस्तों तो Asus का नेक्स्ट लैपटॉप देख रहे हैं, वो Asus का ZenBook 13 है, ठीक है, स्क्रीन साइज काफी अच्छा है इसका, ऑल्दो ये i5 है, ठीक है गाइस, Amazon पे देखते हैं एक बार इसको हम, ये i5 है इसका इंटेल कोर, ठीक है, विंडो 10 तो सभी में ही मिल रहा है, ये विंडोज़ का मैं सब बता रहा हूँ आपको, बट इसका ग्राफिक काफ़ी अच्छा गाइस। आपने Asus का नाम गेमिंग लैपटॉप्स में काफ़ी सुना होगा, ठीक है, और रीडिंग अ चार्ट लाइक अ गेम, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छे और फास्ट होते हैं Asus के, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और सेकेंड नंबर पर लगा कि इसको रखना चाहिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ़ दी कंडीशंस को मीट कर रहा है, बट मुझे ये लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि ये HP का मुझे लगता है, जो मैंने पहला बताया था। अगर मैं अपग्रेड करूंगा तो इसी लैपटॉप पे जाऊंगा, अगर मैं जाना चाहूंगा तो, ठीक है। तो गाइस जो थर्ड लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, वो भी काफ़ी अच्छा है। एक बार हम Asus वाले के सब देख लेते हैं क्या क्या है इसके पास, क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को सच में फुलफिल कर रहा है कि नहीं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो स्क्रीन साइज देखो काफ़ी अच्छा, i5 है, मैंने बोला था i5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस इसका लुक वाइज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ये लाइट वेट है और इसका स्टोरेज भी कम है, ठीक है, बट गाइस ठीक है, चलता है, ठीक है। Asus का प्रोसेसर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ऑल्दो कम है तब भी काफ़ी अच्छा होगा ये, ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस प्रो भी काफ़ी अच्छा गाइस, ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और ये भी काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है, 128 GB का सॉलिड स्टेट ड्राइव है इसका, ठीक है, तो ये भी देख लेना, ठीक है, मेमोरी इसका, ठीक है, और 8 GB है ये, ऑल्दो ये हमारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, बट फिर भी जो थोड़े बजट में टाइट हैं और एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये यूज्ड लैपटॉप है, ठीक है गाइस, इसलिए मैंने इसे डाला हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है। तो गाइस मैं तो रिकमेंड करूँगा या तो आप पहला ले लो या इन दोनों में से कोई जो आपको चूज़ करना है वो कर लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कम है इनके अंदर, ठीक है, स्टोरेज कम है, इंटेल कोर का i3 प्रोसेस i5 है और इस रैम भी कम है, तब भी काफ़ी बेटर है ये लैपटॉप, समझ रहे हो, इसलिए मैंने इन दोनों को डाला है। बाकी पहला तो सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर रहा है, इन बाकी जो दो हैं उतने फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी पर्सनल रिकमेंडेशन है, इन दोनों में से आप एक ले सकते हो कोई सा भी, और अगर आपको कंडीशंस पे ही चलना है तो पहला ले लो गाइस, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी बेस्ट है गाइस। स्क्रीन साइज़ पूरा तो नहीं है Asus वाले का अच्छा स्क्रीन साइज, बट जरूरी नहीं है सारी कंडीशंस मीट हो, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर गाइस, और ये मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जाना मत भूलना, ठीक है, योर फाइनेंशियल कोच, इस पर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहते हैं, मैं डालने की कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिलता है गाइस, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप के अंदर मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी हो, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।